नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जावेद जी क्वेश्चन चैनल पे। तो सैनिक स्कूल क्लास 9th का भी जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है उनका वे लिस्ट आ चुका है। तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट को मेरी लिस्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सैनिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट, इस लिंक पर जाएंगे। अब यहाँ पर इधर क्लासेस का क्वालिफाइड कैंडिडेट का नाम रहेगा और इधर क्लास 9th के लिए। तो आप जिस भी सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं सैनिक स्कूल नालंदा पर करना है कैंडिडेट क्वालिफाइड का PDF, तो इसको डाउनलोड करेंगे। ये PDF इसमें टोटल 37 पेज का है। तो पर कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट कितने नंबर क्वालिफाई किए हैं। तो 67% जो रिजर्व सीट होता है वो होम स्टेट के लिए, 33% जो रिजर्व सीट है वो अदर स्टेट के लिए है, जिसमें में से 27% सीट OBC कैटेगरी के लिए है, 15% सीट रिजर्वेशन SC कैटेगरी के लिए और 7.5% सीट है ST कैटेगरी के लिए। तो इतना सीट रिजर्व रहता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कितने कैंडिडेट सबसे हाईएस्ट नंबर पर हैं। तो क्लास 9th का जो नालंदा का समथिंग ये कटाव बनने वाला है 260-270 के बीच में रहेगा। दो सौ पचास समथिंग ये कट ऑफ रहेगा नालंदा सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए। तो 250 के बीच जितने भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किए जाएंगे मेरे लिस्ट में, कि 1:3 है तो इसमें में से एक सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक सीट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसका भी फाइनल कट ऑफ मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ ही बनेगा। तो मेडिकल के बाद जिन कैंडिडेट का हाई नंबर रहेगा यानी कि रैंक उनका हाईएस्ट रहेगा, तो उनको फाइनल रिजल्ट के लिए बुलाया जाएगा यानी कि उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले आप इस क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट डाउनलोड करके नंबर चेक कर सकते हैं। तो जितना भी सीट जिस स्कूल में सीट है आप उस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर सीट चेक कर लीजिए। इसके बाद आप रिजर्वेशन सीट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।